my group. এই মাত্র লাগিল মই ব্রেক না মারলি ও ভাই কি হবা ও হো কি জায়গা হে ভাই তো ইদারে লড়কি লোক কত মজা কর রহা হে ইদার পুরা ঝর্ণে মে দেখো এ ভাই গুসা চলো ভাই গুসা 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 কাও কা গবর মেরে মেরে মুহ মে আকে গিরা ভাই Hey, what's up, double lifestyle family के सर, हम लोग आपसे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे रोज की तरह। बहुत दिनों के बाद आज और निकलने वाला हूँ राइड में, और बिकॉज आज है संडे, और आप लोगों को पता ही है गाइस, हम एक भी संडे मिस नहीं करते हैं। और आज का जो प्लानिंग है ना, आज प्लानिंग है हमारा सांडू भी जाने का। बाइकर ड्रॉइड से भी एक राइड प्लान किया था संडे को, लेकिन वो वाला राइड में अटेंड नहीं किया, बिकॉज वो बोगामाटी के साइड जाएगा, हम हमारे घर के साइड ही। वो बोगामाटी में मैं आता ही जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे गुवाहाटी से और बोगामाटी जाने का मन नहीं है भाई, ठीक है। तो इसलिए जिसान भाई, रुहुल भाई, मैं एक साथ अभी जाने वाला हूँ सांडुबी लेक। तो सांडुबी जाके मजा आएगा, बहुत दिनों पहले गया था सांडुबी और आज जा रहा हूँ, ठीक है। पूरा ड्रेसअप करके रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो, पूरा राइडिंग जैकेट वगैरह लगा है। और गाइस ये कैप कैसा लग रहा है मेरे में कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो लेट्स गो। अभी हमारा रुहुल भाई, जिसान भाई 6 माइल में वेट कर रहा है, तो उधर ही उधर तक ही जाऊंगा अभी। 6 माइल होके ऐसे जालुकबारी आजरा होके एयरपोर्ट रोड से सीधा हम चला जाऊंगा सांडुबी, ठीक है। और सांडुबी भाई बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ भाई, बहुत छोटे में आया था सांडुबी, और अभी जा रहा हूँ सेकेंड टाइम के लिए। तो चलो, आज का ब्लॉग कैसा लगता है कॉमेंट में जरूर बताना आप लोग। अगर फेसबुक में देख रहे हो फॉलो कर देना, यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब मार देना भाई। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है 9, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुका हूँ इधर पेट्रोल पंप जयनगर वाला, और इधर जिशान भाई भी आ चुका है, फ्यूल अप करके यहाँ से निकल जाएंगे। और निशा मैडम नहीं जाने वाला था, लेकिन अभी प्लानिंग बन चुका है, निशा मैडम को भी लेके जाऊंगा एक साथ, अभी फ्यूल अप करके निकल जाऊंगा। रुहुल भाई भी आ चुका है ड्यूक 300 लेके, तो चलो चलो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं। और संडे राइड थोड़ा हैपनिंग बनाता है आज आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। बाइक जो है ना गाइस, ज़्यादा रेस नहीं चलाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को पता ही है हमारा प्रो राइडर 1000 भाई के साथ क्या हो गया, जो होना था वो हो गया, अभी क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो रेस्ट इन पीस हमारा प्रो राइडर भाई, बहुत बुरा लगा, बात क्या ही कर सकते हैं अभी यार भाई। तो जालुकबारी पहुंच चुका हूँ, और अभी ऐसे ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट रोड। हमारा जो ग्रुप बोला था ना आप लोगों को, Z900 था, 2 ZX Trainer था, हमारा सेमी भाई लोग, सो हमारा सब ग्रुप इधर ही मिलने वाला था हम, लेकिन हमारा लेट हो गया, ठीक है। तो इसलिए भाई लोग चला जा चुका है ऑलरेडी सांडुबी, अभी उधर जाके भाई लोगों को मिलूंगा हम। এই মাত্র লাগিল মই ব্রেক না মারলি মতলব এসা আদমি হে ভাই আবি আবি লাগ যাতা মে ব্রেক ভি আচ্ছি তরহ সে মেরা নেই লাগা থা সো আবি এয়ারপোর্ট রোড পৌঁছ চুকা হুঁ ইয়ে ওয়ালা এয়ারপোর্ট রোড বাপ রে বাপ জিসান ভাই দেখা উড়তে হুয়ে চলা গয়া হে भाई, देख पा रहे हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये लेक। और इधर सिक्किम का ये SK रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सिक्किम का भाई है। रोड देख पा रहे हो कितना ज्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है एरिया आजरा के साइड। और आजरा से कौन कौन देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना, लव फ्रॉम आजरा बोल के, ठीक है। आगे गाइस पुलिस चेक है, बट कोई नहीं, अभी अगर मेरा गाड़ी पकड़ेगा ना गाइस, पूरा फाइन ठोकेगा, बिकॉज मेरा इंश्योरेंस फेल है, अभी 2-1 दिन में इंश्योरेंस करना पड़ेगा, बहुत महंगा आता है भाई इंश्योरेंस। अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करूंगा ना 5000 जैसा आ जाएगा, अगर नॉर्मल वाला करूंगा तो ज़्यादा नहीं आएगा। ये वाला सेम रास्ता से तूरा जा सकता है मेघालय का, ये मेरा जो गाड़ी है ना, ये वाला तूरा का ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है।
अगर दिमाग में आ गया ना अभी तुराई चला जाऊंगा सीधा मेघालय भाई, मजाक नहीं। रोड जो है ना बहुत ज्यादा सुंदर है, पूरा देख सकते हो पूरा पेड़ पूरा रोड को ऐसे धक्के रखा है भाई, मजाक नहीं भाई। मनियारी टिनियाली लोहारी घाट सानडुबी 31 किलोमीटर, मेरे मैप में दिखा रहा है 32 किलोमीटर। गाइस हमारा जो ग्रुप था ना ग्रुप को मिल चुका हूँ, सो इधर भाई लोगों को मिल चुका हूँ। इधर देखो दो दो G900, अभी लग रहा है मतलब तबाही राइड, समझ गया ना, ग्रुप में रहने से अच्छा लगता है। हमारा हर संडे राइड ऐसा ही रहता है, देखो पूरा ग्रुप के साथ मजा आ गया भाई, क्या ही बताओ। अभी मतलब सही लग रहा है भाई, मतलब सुपर बाइक और एक दो आ जाना था ना मतलब मजा ही आ जाता है, क्या ही बताओ आप लोग। इधर है हमारा BS4 वाला और इधर है BS6 वाला G900। सो फाइनली अभी सब भाई लोगों को इधर मिल चुका हूँ गाइस, देख सकते हो इधर। हेलो भाई क्या ना भल ना लग पा मुझे हमारा असल तुम्हारा भल लगे लग पाए भाई। तो इधर देखो गाइस G900 हमारा, ये है निंजा और एकदम भाई मुझे मुझे नहीं लगा था कि रास्ते में हम मिल जाएंगे, बात मिल गया भाई, हम लेट है, हम लेजी राइडर। चलो चलो कोई नहीं भाई। तो सुंदर है देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से हो रहा है हमारा G900 R15। इधर है हमारा 400 G900 अपना मैनुअली और उधर R15 और इधर है निशा मैम। गाड़ी कितनी ऑसम है यार, इसको नहीं लाने वाला था बट फिर भी लेके आया। देखो मैं गियर में आया, ये देखो टी शर्ट में आया, चप्पल में आया, तो मैं इसको नहीं लाने वाला था बट फिर भी लास्ट टाइम में मतलब प्लानिंग हो गया कि ये भी जाएगा तो इसको भी लेके आया। गाइस काओ का गबर मेरे मेरे मुंह में आके गिरा भाई, क्या ही बताओ यार। अरे इधर भाई लोग रोक दिया हमको, क्यों पता नहीं। ओ भाई क्या हुआ, क्यों रोका भाई। ओ बिहू के लिए कुछ कलेक्शन कर, ए, लगा दिया भाई, ए, लगा दिया गाड़ी में भाई। रूहुल ने लगा दिया, ये R15 V3 ने गाइस देखो इधर गबर गबर इस गबर उछाल दिया भाई मेरे, इधर इसके इसके गाड़ी में पहुंच देता हूँ। गाइस यहाँ से सानडुबी और मान लो 7 किलोमीटर है और ये वाला एक इधर छोटा मोटा दुकान वगैरह था तो इधर पराठा खा लिया, मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था और अभी सीधा निकलते हैं। चलो रोज चेकआउट करो भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरिया है भाई। ओहो
क्या जगह है भाई। जस्ट चेक दिस आउट भाई, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस यार। और इधर हमारा नंदी महाराज रोड में, जय नंदी बाबा की। हाथी वहा जो आप पथ, एलिफेंट आने जाने वाला कॉरिडोर रास्ता, तो इधर थोड़ा सावधान, धीरे धीरे जाना गाड़ी भाई। व्हाट ए प्लेस भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई प्लेस, देख सकते हो यार। ओ भाई क्या पटाखा फोड़ रहा है भाई G900, एकदम सेक्सी भाई। लोकेशन देख पा रहे हो कितना ज्यादा सुंदर है। और नीचे हमारा राइडर लोग देख सकते हो क्या लग रहा है भाई। लोकेशन पहुंच चुका हूँ और अभी इधर गाड़ी वगैरह पार्क करके सीधा वाटरफॉल जाएंगे। लोकेशन पहुंच चुका हूँ और इधर हमारा सब बाइक वगैरह इधर पार्क करके रख दिया। और इधर जो ये काउंटर है ना, काउंटर में टिकट वगैरह बना लिया, पर पर्सन 10 रुपीस। और अभी यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है ना। कैसा लगा लोकेशन आपको? इतना सम्मान महाकसम। सो फाइनली गाइस लोकेशन पहुंच चुका और इधर देख सकते हो गाइस, लड़की ही लड़की है माँ कसम गाइस, कितना सारा लड़की है। इतना छोटा सा वाटरफॉल है इधर, अभी सब लोग कैसे हम नहाएंगे वही सोच रहा हूँ। और मैं तो कपड़ा भी नहीं लाया। और इधर लड़की देखो आप लोग। ए भाई गुस्सा सुनो भाई, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बड़े हरामी हो। सो गाइस इधर देख सकते हो, लड़की ही लड़की है, सुंदर सुंदर वाटरफॉल देखने आया था, लड़की ही लड़की है भाई इधर। और इधर हमारा पूरा भाई लोग है इधर। सो अभी जाएंगे ये वाटरफॉल में जाएंगे, फ्यू विद गर्ल्स, और क्या सही है क्या कुछ जिंदगी में। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये झरना है। लेकिन गाइस ये झरना देखने के लिए मैं इतना दूर से आया, मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। मेरे घर के नज़दीक ऐसा ऐसा झरना है, ठीक है। निशा मैडम कैसा लगा लोकेशन? निशा मैम देखो मेरे पीछे देख सकते हो, नेचुरल व्यू विद गर्ल्स, और कुछ सही है क्या विद निशा मैडम? तो बहुत मज़ा आया गाइस इधर आके, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाया। और यहाँ पे थोड़ा व्यू देखो, ऐसा लड़की वगैरह कुछ मत देखो, इधर ओनली व्यू देखो, नेचुरल व्यू गाइस, ऐसा लग रहा है कुछ। देखो पूरा टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, छोटा सा जगह है। एज यू कैन सी ये है लोकेशन, और फुल टू फन हो रखा है इधर, देख सकते हो भाई। पानी ज़्यादा नहीं है, पानी से ज़्यादा तो इधर आदमी ही है इधर, देख सकते हो। और लड़की लोग इतना चिल्ला रहे हैं, देख सकते हो इधर ये लड़की लोग क्या तो मजा कर रहा है इधर पूरा झरने में, देखो बाप रे बाप। की आइस तितली। और इधर देख सकते हो कुछ एक आइस मिला है इधर, तो इसको अभी ट्राई करते हैं। निशा मैडम अभी पैसा पे कर रहे हैं। तो आज ये फर्स्ट टाइम ये वाला वाटरफॉल में आया। ये वाटरफॉल का नाम तो क्या था मुझे भूल गया, आप लोगों को जाने का टाइम दिखा दूंगा वाटरफॉल का नाम। बाप रे बाप, ए अभी लग जाता साला क्या कर रहा है। ओ भाई क्या ही लोकेशन है भाई। और इधर देखो हमारा भाई लोग, अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, इधर दो ना दो तीन कच्चा आम, दो ना भाई कच्चा आम दो ना दो तीन। सो फाइनली 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 अभी पहुंच चुका हूँ रूम भाई। मजा आया आज का राइड, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Sorry for the misunderstanding, but I'm not your enemy.